वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। सो आज हम इम्यूनोलॉजी एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे। टॉपिक का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द मास्टर ग्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिजीज ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन इज, एलर्जिक डिजीज़ कौन सी है? इसमें बी इज़ करेक्ट, हे फीवर। सेकेंड, एन एंटीवायरल सब्सटेंस प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू वायरल इन्फेक्शन फॉर रिस्ट्रिक्टिंग इट्स मल्टीप्लिकेशन। वायरस को रोकने के लिए जो सब्सटेंस बॉडी प्रोड्यूस करती है उसको कहते हैं इंटरफेरोन। ये आएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन थ्री, विच वन इज़ ए करेक्ट मैच, इसमें करेक्ट मैच कौन सा है? ये कुछ बीमारियाँ हैं और उनके कॉजल ऑर्गेनिज्म बताए हैं, तो उसमें सही ऑप्शन है सिपलिस। ये आता है ट्रिपोमिया पैलिडम, ये एक आपका प्रोटोजोन होता है। और फोर्थ, मैलिग्नेंट टर्शियन और सब टर्शियन फीवर, ये मलेरिया की टाइप है, इसको करता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ऑप्शन डी। क्वेश्चन फाइव, विच इज़ नॉट ट्रूली मैच, इसमें सिपलिस का गलत है, यह आएगा ट्रिकियस ट्रिक्यूरा, ये गलत है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन सिक्स, इंटरफेरोन सिंथेसाइज इन रिस्पॉन्स टू, ये पहले आ चुका है क्वेश्चन, इंटरफेरोन जो बनते हैं सब्सटेंस ये वायरस के अगेंस्ट बनते हैं, ऑप्शन ए। सेवन, विच वन इज़ द मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़, ये है कफ एंड कोल्ड, ऑप्शन डी, सबसे जल्दी यही फैलता है। क्वेश्चन एट, साल्मोनेला क्या कॉज करता है? टाइफाइड, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नाइन, लंग कैंसर इज़ कॉज बाय क्रोमियम फ्लोराइड, ये केमिकल इनहेल करने से होता है, ऑप्शन डी। टेन, विच वन इज़ इन करेक्टली मैच, करेक्ट मैच क्या है? रेस्परपाइन, ये ट्रांसक्यूलाइजर है, ऑप्शन सी, मेडिसिन है, जो दिमाग की मेडिसिन है स्ट्रेस कम करने के लिए। इलेवन, स्टिमुलेंट कोकीन इज़ ऑब्टेन फ्रॉम, ये होता है एरिथ्रोजिलियम, जो कोकीन के प्लांट का नाम है, ऑप्शन बी। 12, विच वन इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड कैंसर, ये होता है आयोडीन 131, जो आइसोटोप है, ऑप्शन डी। 13, मेटास्टेसिस इज़ कनेक्टेड विद मलिग्नेंट ट्यूमर, ऑप्शन बी, कैंसरस जब ट्यूमर हो जाता है तो उसमें मेटास्टेसिस होती है। 14, कैंसर सेल आर डैमेज बाय रेडिएशन वाइल अदर आर नॉट, ड्यू टू कैंसर सेल क्या होते हैं? ऑप्शन सी, इमेच्योर एंड अंडर गोइंग रैपिड डिवीज़न, तो इसलिए उनको ख़त्म करना आसान है, ऑप्शन सी। हशीश एंड गांजा कहाँ से आते हैं? कैनाबिस, भांग के प्लांट का नाम है कैनाबिस, ऑप्शन डी। 16, शॉक ऑर्गन ऑफ एलर्जी, एलर्जी में क्या डैमेज होता है ज़्यादा? स्प्लीन, ऑप्शन बी, ए। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें है लाइसिस ऑफ फॉरेन सेल इज मीडिएटेड थ्रू, बाहर के सेल हैं उसको लाइसिस कौन करता है? IgM एंड IgG एंटीबॉडीज़ हैं, ऑप्शन सी। 18, साइक्लोस्पोरिन मेडिसिन है, किसके लिए यूज़फुल है ये? अमीनो सुप्रेसेंट, इम्यून रिस्पॉन्स बॉडी का कम करने के लिए, ऑप्शन बी, तो ये तब देते हैं जब कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना हो। 19, नेक्रोटिक ड्रग्स, नारकोटिक्स ड्रग्स हैं चारस, गांजा, भांग, कहाँ से आती हैं ये? ये इसका कोकोआ प्लांट, ऑप्शन डी। 20, शॉर्ट लिव्ड इम्यूनिटी एक्वायर्ड बाय फीटस इन्फेंट फ्रॉम मदर थ्रू प्लेसेंटा मिल्क, जो आती है क्या है ये? पैसिव है, ऑप्शन बी, ये एंटीबॉडी ऑटोमेटिकली मदर से बेबी को आती है, वायरस के अटैक से या माइक्रोब के अटैक से बॉडी में खुद नहीं बनती, इसलिए ये पैसिव सिस्टम बनाता है। 21, व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट टी लिम्फोसाइट इन मैमल्स, ज्यादा देर आर द 3 मेन टाइप ऑफ साइटोटॉक्सिक हेल्पर एंड सप्रेसर, ऑप्शन ए, तीन तरह के टी सेल होते हैं। 22, ओपियम इज़ गोट फ्रॉम पेपावर सोमनीफेरम, ये प्लांट है उससे ओपियम आता है, ऑप्शन डी, खसखस का प्लांट है। 23, ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट बाय एंटी वेनम इज़ प्रोवाइडिंग, ऑप्शन बी, ए आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी जाती है, ये आता है ऑप्शन बी, कैंसर जो स्नेक बाइट के ट्रीटमेंट में क्या यूज़ होता है। 24, एड्स इज नॉट स्प्रेड थ्रू हैंड शेक, हाथ मिलाने से एड्स नहीं होती, ऑप्शन बी, बाकी सभी कारणों से होती है। 25, ह्यूमन पेप्लिनोमा वायरस से क्या कोस करता है? जेनिटल वाट, जेनिटल एरिया में इन्फेक्शन करता है, ऑप्शन डी। 26, डैमेज टू थाइमस इन चाइल्ड वुड लीड टू लॉस ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, थाइमस अगर डैमेज हो जाए तो सेल नहीं बनेंगे, बी सेल, टी सेल नहीं बनेंगे। 27, एड्स इज कोज बाय HIV डैट
प्रिंसिपल इन्फेक्ट क्या करती है, टी फोर हेल्पर्स लिम्फोसाइट, ऑप्शन डी। टी फोर सेल जो है लिम्फोसाइट का नंबर कमन हो जाता, कर्म हो जाता है। 28 ड्यूरिंग द एडिक्ट, जो ड्रग एडिक्ट हैं, शो सिम्टम ऑफ डिप्रेस्ड ब्रेन एक्टिविटी, फीलिंग ऑफ कामनेस, रिलैक्सेशन, ड्रॉजीनेस एंड पॉसिबली एडिक्शन किसकी होगी, जी वैलियम। ये वैलियम एक ड्रग है जिससे ये सारे सिम्टम आते हैं, ऑप्शन ए। 29 पर्सन शोइंग द अनप्रडिक्टेबल मूड, आउटबर्स्ट ऑफ इमोशन, क्वारलसम बिहेवियर एंड कॉन्फ्लिक्ट विद अदर इज सफरिंग फ्रॉम, जो होता है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो तभी ये होता है, ऑप्शन सी। 30 द एंटीबायोटिक आर कम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ऑप्शन डी। HIV क्या अटैक करती है, टी हेल्पर सेल, ऑप्शन डी। 32 इंक्रीज अस्थमेटिक अटैक इन सर्टेन रीजन ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ सीजनल पोलन, ऑप्शन ए। एलर्जिक बीमारी है जी, पोलन उनको एलर्जी कर देते हैं और ट्रैकिया स्वेल हो जाता है। 33 लाइसोजाइम फाउंड इन सलाइवा, परस्पिरेशन एंड टीयर, क्या डिस्ट्रॉय करता है, सर्टेन बैक्टीरिया, ऑप्शन बी। 34 पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कॉलरा आर गिवन सलाइन ड्रॉप, क्या देते हैं, क्यों, क्योंकि सोडियम आयन जो है वाटर को रिटेन करते हैं बॉडी में, ऑप्शन सी। 35 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस फ्रॉम हाइब्रिड सेल कॉल्ड हाइब्रिडोमा, दिस सेल यूज टू फॉर्म हाइब्रिडोमा सेल, ये कौन से हैं, ये हैं आपके बी लिम्फोसाइट एंड माइलोमा सेल, ऑप्शन सी। दोनों को मिला देते हैं और उसमें जो एक तरह की एंटीबॉडी बनती है फिर। 36 डिप्थीरिया इज कॉज बाय पॉइजनस रिलीज बाय लिविंग बैक्टीरियल सेल, ऑप्शन ए। 37 रियलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस RBE यूजली रेफर टू डैमेज कॉज बाय रेडिएशन, ऑप्शन ए। 38 वुमन हु कंज्यूम थैलिडोमाइड एज एंटी वॉमिटिंग ड्रग ड्यूरिंग द अर्ली मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, जो एक मेडिसिन होती है जो फीमेल को देते हैं, जो उल्टियाँ नहीं आने देती, मिचकी आने से रोकती है, तो इसमें जो ज़्यादा अगर फीमेल रहती है प्रेगनेंसी में तो बच्चों को क्या होता है, अनडेवेल्प लिव, इस बीमारी को फोकोमिलिया कहते हैं। 39 व्हाट इज़ ट्रू ऑफ साइकोट्रॉपिक ड्रग, साइकोट्रॉपिक ड्रग में क्या सही, ऑप्शन सी हशीश कोज आफ्टर थॉट परसेप्शन एंड हेलुसिनेशन। 40 कॉर्निया ट्रांसप्लांट इज सेल्डम रिजेक्टेड बिकॉज इट इज़ नो ब्लड सप्लाई, कॉर्निया ट्रांसप्लांट में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती। 41 में मैच करना है AMEBOYSIS, ये होता है इसका सही जो आएगा सेकेंड, यूज़ ओनली स्टरीलाइड फूड एंड वाटर, इसको ख़त्म करना है। बी है डिप्थीरिया का, 3 है DPT वैक्सीन से होगी। कॉलरा ये होगी ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी ORS से। सिपलिस का ट्रीटमेंट होगा ट्रिपोमा प्लाइडिनम, जिससे रिलेटेड है। 42 टू विच टाइप ऑफ वेरियर अंडर द इनेट इम्यूनिटी टू सलाइवा इन माउथ एंड टीयर, ये किसको बिलोंग करता, साइकोलॉजिकल बैरियर, ऑप्शन ए, सॉरी फिजियोलॉजिकल। 43 इंसेक्ट बाइट में रिजल्ट इन इन्फ्लामेशन ऑफ स्पॉट, ये ट्रिगर क्या करता है, केमिकल हिस्टामिन एंड डोपामिन, ऑप्शन ए, ब्रेन में ये बनने शुरू हो जाते हैं। 44 एंटीजन बाइंडिंग साइट इन एंटीबॉडी फाउंड बिटवीन 2 हैवी चेन एंड 1 लाइट चेन, ऑप्शन सी, ये होता है पैराटोप रीजन होते हैं एंटीबॉडी के जहाँ एंटीजन बाइंड करते हैं। 45 ए पर्सन प्रिपेयरिंग फूड लाइक मैरी मिल्टन कैन बी ए मेजर सोर्स ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज टाइफाइड, ऑप्शन डी। 46 हेपेटाइटिस बी क्या कहते हैं, सीरम जॉन्डिस कहते हैं, ऑप्शन सी। 47 लेटर टी इन टी लिम्फोसाइट क्या करता है, थाइमस से रिलेशन है इसलिए टी कहते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट। क्या है 48 में, मलिग्नेंट ट्यूमर में एग्जिबिट मेटास्टेसिस, मैगलेट में हो जाती है। 49 पेयर ऑफ वायरल डिजीज कौन सी है, इसमें कॉमन कोल्ड एंड एड्स, ऑप्शन डी, ये सारी दोनों डिजीज वायरस से होती है। 50 पर्सन लाइकली टू डिवेल्प टेटनस इज इम्यूनाइज बाय गिविंग प्री फॉर्म एंटीबॉडीज, ऑप्शन बी। 51 यूज ऑफ एंटी हिस्टामिन एंड स्टीरॉयड, इससे क्विक रिलीफ किससे मिलती है, एलर्जी से, ऑप्शन सी, क्योंकि ये हिस्टामिन का रिलीज बंद करते हैं। 52 रिजेक्शन ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट किससे होती है, साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्टिव हो जाते हैं, ऑप्शन सी। 53 मोस्ट कॉमन यूज मार्कर एंजाइम इन क्लिनिकल डायग्नोस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर, यह है एसिड फॉस्फेटेज, ऑप्शन डी।
54 सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम वन गिवन, इसमें सही है मॉर्फिन इज ऑफन गिवन टू पर्सन हु हैव अंडरगोन सर्जरी एज पेन किलर। 55 विडाल टेस्ट किसके लिए होता है, टाइफाइड, ऑप्शन ए। 56 विच टाइप ऑफ फॉलोइंग टेक्नीज सेफेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ कैंसर, मैग्नेट रेजोनेंस इमेजिंग MRI टेक्निक सेफ है, ऑप्शन ए। 57 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज फॉर प्रेपरेशन ऑफ वैक्सीन अगेंस्ट प्लेग, ऑप्शन सी वायरलेंट लाइव बैक्टीरिया, ऑप्शन सी ये नहीं यूज कर सकते। 58 रिंग बॉम ह्यूमन कोस करता है बाय फंगस, ऑप्शन ए। 59 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू HIV एड्स, सी है सही, पॉजिटिव HIV रेट्रोवायरस है, बॉडी में इंटर करता है, हेल्पर सेल में तो उनको ख़त्म कर देता है। 60 इम्यून सिस्टम में इंटरफेरोन किसका पार्ट है, साइटोकाइन बैरियर, ऑप्शन डी। 61 पर्सन सस्पेक्टेड टू सफर फ्रॉम एड्स इज एडवाइज टू अंडरगो डायग्नोस ELISA टेस्ट, अगर उसका डिटेक्शन करना हो तो ELISA से होता है, ऑप्शन डी। 62 एट विच स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन डज द पेशेंट शो सिम्टम ऑफ एड्स, ये होता है HIV रेप्लिकेट रैपिडली इन टी हेल्थ सेल एंड डैमेज द लार्ज नंबर ऑफ देम, तो इसलिए टी सेल काउंट कम हो जाता है, ये भी एक साइन है, ऑप्शन ए। 63 विच वन एक्ट एज अ फिजियोलॉजिकल बैरियर टू एंट्री ऑफ माइक्रोब इन ह्यूमन बॉडी, टीयर जो फिजियोलॉजिकल बैरियर का काम करते हैं, जब भी माइक्रोब को रोकते हैं। 64 करेक्ट स्टेटमेंट देनी है डिजीज एंड ह्यूमनाइजेशन की, इफ ड्यू सम रीजन BNT सेल आर डैमेज बॉडी विल नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट ए पैथोजन, ये सही है। उसके बाद आ जाइए जी 65 मैच करना है, निमोनिया होता है, ऑप्शन सी सही है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है ये। 66 ड्रग फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट इज ऑब्टेन फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, क्या है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट की है, ये आएगा ट्राइकोडर्मा, ऑप्शन बी। 67 में है कुछ दिया हुआ है, इसमें आपने करेक्ट बताना है, तो इसमें 1, 2, 4 करेक्ट है। कॉमन कोल्ड होता है ड्रॉपलेट से, टाइफाइड कंटामिनेटेड फूड, रिंगवॉर्म होता है इन्फेक्टेड टॉवल से, तो 67 का सी सही है। इंटरफेरोन क्या है, प्रोटीनेशियस सब्सटेंस है सीक्रेटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन, 68 का डी आएगा। 69 विच वन इज ऑब्टेन बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, उसकी एसिटाइलेशन से स्मैक और हेरोइन बनती है, ऑप्शन ए। 70 कोकीन इंटरफेयर विद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन, उसकी इंटरफेरेंस करती है, ये आएगा बी। 71 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिरोसिस ऑफ लीवर अल्कोहलिज्म, ऑप्शन सी। 72 एंग्जाइटी ऑफ ईटिंग स्पाइसी फूड से क्या है, इंडाइजेशन हो जाती है, ऑप्शन ए। मोटाइल जाइगोटो प्लाज्मोडियम अकर इन गट ऑफ फीमेल एनोफिलीज में, ऑप्शन सी। 74 कॉमन कोल्ड डिफर फ्रॉम निमोनिया, क्यों, ये इन्फेक्ट करता है एल्वोलाई को और कॉमन कोल्ड नोज़ एंड रेस्पिरेटरी पास इसको करता है, बट लंग्स तक नहीं जाता, ये आएगा डी। 75 विच वन इज़ नॉट प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर सेल, दे शो कंटैक्ट इनहिबिशन, ऑप्शन ए। 76 विच इज़ करेक्टली मैच, ये सही है बी, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट एंड मोनोसाइट, ये सेलुलर बैरियर है, WBC की बात कर रहे हैं। 77 विच इज़ करेक्टली नेम्ड एंड प्रिंटेड, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम प्रोटोजोन पैरासाइट है, ये सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया करता है, ऑप्शन बी। 78 आइडेंटिफाई एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन यूजिंग द सोर्स एंड यूज, तो इसमें है आपका डायग्राम ए है मॉर्फिन, पेपरवर सोमनीफेर से आता, सेडिफेरस सेडेटिव है और पेन किलर है, रिंग बॉम इन्फेक्शन किससे होता है, ट्राइकोफाइटोन फंगस है ये बी। एंटी सीरम हैज़ एंटीबॉडी, ऑप्शन बी। इन्फेक्शन ऑफ एस्कैरिस डी कंटेमिनेट फूड एंड वाटर, 81 का डी आएगा। 82 सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इनसाइड बॉडी किससे होती है, टी सेल, ऑप्शन बी। 83 सेक्सुअल स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम ह्यूमन HRBC में होती है, इसमें गैमेट स्टार्ट होते हैं और कंप्लीट गट में होती है। 84 इम्यूनोग्लोबिन अबंडेंट इन कोलोस्टोम, जो फर्स्ट मदर का मिल्क होता है उसमें ज़्यादा होती है IgA एंटीबॉडी, ऑप्शन बी। 85 मैच करना है, इसमें आपने देखना है ये फर्स्ट टाइफाइड, डी साल्मोनेला और बी इंटेस्टिनल परफोरेशन होती है, दूसरा निमोनिया, ये आएगा ए हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, और ये फोर्थ से करता है एल्वोलाई फील्ड विद
टाइफी फ्लूड, और सी थर्ड है फिलेरियासिस, इसका ई आएगा बचीरिया, और वन के साथ है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल, और फोर्थ का रिंग बोम है ये बी आएगा ट्राइकोफाइटोन, ये सेकंड है ड्राई स्केली लीसन होते हैं स्किन में, और फिफ्थ है मलेरिया, इसका आएगा सी प्लाज्मोडियम, और थर्ड आएगा चिल एंड हाई फीवर, तो 85 का आता है डी। इम्यून सिस्टम इंटरफेरोन पार्ट किसका है, साइटोकाइन बैरियर, ऑप्शन डी। 87 में आपने आइडेंटिफाई करना साइट वेयर बचीरिया वैंक्राइफ्टाई बॉडी में मिलते हैं, लिम्फेटिक वेसल ऑफ लोअर लिम्ब, ऑप्शन सी। ये एक प्लांट दिया हुआ है, इसमें कौन सी ड्रग आती है, हेलुसिनेशन करती है, ऑप्शन डी। 89 एट विच स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन डज वन यूजली शो सिम्टम ऑफ एड्स, ऑप्शन बी वेन HIV डैमेज लार्ज नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट। 90 विच इज़ इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन IgE एंड मास्टर सेल, ऑप्शन सी। 91 द पैथोजन हीमोफिलस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, निमोनिया, ऑप्शन बी। 92 इंटरनल ब्लीडिंग मस्कुलर पेन ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पासेज एंड एनीमिया किसके सिम्टम है, स्कैरिस, ऑप्शन सी। 93 टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रॉम मदर मिल्क में, IgA, ऑप्शन ए, पहले करा चुका हूँ। 94 इफ़ यू सस्पेक्ट मेजर डेफिशेंसी ऑफ एंटीबॉडी इन द पर्सन टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू लुक फॉर कन्फर्मेटरी एविडेंस, सीरम ग्लोबुलिन का लेवल चेक करेंगे, ऑप्शन डी। 95 ग्राफ्टेड किडनी में बी रिजेक्टेड ड्यू टू सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ऑप्शन बी। 96 साइटोकाइन बैरियर किसको बिलोंग करते हैं, मैक्रोफेज, ऑप्शन सी। ई रिंग बोम कॉज बाय, फर्स्ट आएगा इसका सेकेंड माइक्रोस्पोरम, फोर्थ आएगा एपिडर्मोफाइटोन, ये फंगस है। ये 98 में स्टेटमेंट देनी है करेक्ट, पहली IgE एंटीबॉडी प्रोड्यूस एलर्जिक रिएक्शन, ये सही है। फोर्थ स्पिलिन इज कैंड्री लिम्फाइड ऑर्गन, ये भी सही है, तो 98 का आएगा डी। 99 नेचुरल किलर लिम्फोसाइट आर एग्जांपल ऑफ सेलुलर बैरियर, ऑप्शन बी। 100 विच इज़ नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मलेरिया, स्पोरोजाइट मल्टीप्लाई इन ब्लड, ऑप्शन सी। 101 विच ड्रग पेयर इन करेक्ट, एट्रोपा बेलाडोना हशीस, ऑप्शन सी गलत, डी गलत है। 102 एंटीबॉडी फॉर्म्ड ऑफ 5 इम्यूनोग्लोबिन जो होती है पेंटामेरिक IgM, ऑप्शन बी। 103 विच ऑफ द फॉलोइंग सेल स्क्रीट हिस्टाम एंड मास्टर सेल, ऑप्शन बी। 104 एंटीवेनम इन्फेक्शन कंटेन परफोरेटेड एंटीबॉडी वेल पोलियो ड्रॉप डेट आर एडमिनिस्टर्ड इन बॉडी कंटेन एटोनेटेड पैथोजन, ऑप्शन बी। 105 हायर वर्टिब्रेट में इम्यून सिस्टम कैन बी डिस्टिंग्विश सेल्फ सेल नॉन सेल्फ से, इफ दिस प्रॉपर्टी लॉस्ट टू जेनेटिक नॉर्मलिटी से अगर ये प्रॉपर्टी आ जाए तो क्या होता है, ये ऑटोम्यून डिजीज होती है, ऑप्शन ए। 106 अस्थमा किससे होता है, एलर्जिक रिएक्शन ऑफ मास्ट सेल इन लंग, ऑप्शन डी। 107 बीच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग एड्स कॉजिंग HIV, ऑप्शन डी। HIV इनवेल्व वायरस, ये टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। 108 बीच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डिजीज कॉज बाई बैक्टीरिया कॉलरा एंड टैटनस, ऑप्शन सी। हार्ड ड्रग इंक्लूड स्मैक, ऑप्शन ए। 110 हेल्पर टी सेल आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम साइटोटॉक्सिक सेल CD4 प्रेजेंस में, ऑप्शन बी, ये सही है। 111 ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू ऑर्गन फेल होता है, नॉन एक्सेप्टेंस होती है बॉडी में, और ये किस वजह से है, सेल मीडिएटेड सिस्टम से, ऑप्शन ए। माल्ट कंटेन अबाउट कितना परसेंट है बॉडी में, माल्ट मिकोजा रिलेटेड लिम्फोइड टिश्यू 50%, ऑप्शन डी। 113 विच पार्ट ऑफ पॉपी प्लांट इज यूज टू ऑबटेन द स्मैक लैटेक्स, ऑप्शन बी। 114 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑटोइम्यून डिजीज, अल्जाइमर डिजीज, ऑप्शन सी। 115 विच डिजीज डज मॉस्किटो ट्रांसमिटेड पैथोजन कोज क्रॉनिक इंफ्लामेशन लिम्फेट एलिफेंटियासिस, ऑप्शन ए। मचीरिया बैंक्रॉफ्टी से होती है और ये मॉस्किटो के अंदर ही रहता है AD से। 116 अकॉर्डिंग टू डी वेरिस मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन क्या है, साल्टेशन जंपिंग टाइप, ऑप्शन बी। 117 आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग द पॉजिटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड फीवर और कन्फर्मेटरी टेस्ट सालमोनेला है, टाइफी बेडाल टेस्ट है, ऑप्शन सी। 118 विच ऑफ फॉलोइंग इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर किडनी रिजेक्शन, सेल मीडिएटेड, पहले भी आ चुके, ऑप्शन सी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 119 फॉलोइंग स्टेटमेंट देखनी है, इसमें देखनी है ट्रू फॉल्स, इसमें बी सही है, दोनों गलत हैं।
कोएंजाइम और मेटल दैट इज़ टाइटली बॉन्ड टू एंड एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोस्टेट ग्रुप। कोएंजाइम जो है ये प्रोस्टेट नहीं होता। बी कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिविटी एंजाइम बॉन्ड टू इस प्रोस्टेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एपोजाइम, ये भी गलत है, उसको होलोजाइम कहते हैं। तो ये थे आज के क्वेश्चंस 119 MCQ। मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। सभी क्वेश्चंस काफ़ी डिटेल में आपको करवाए हैं। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट। और कैसा वीडियो लगा प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। चैनल्स के साथ बने रहिएगा और यूज़फुल वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और जिन्होंने अभी तक हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं किया दे कैन ज्वाइन फॉर द बेस्ट प्रेपरेशन ऑफ बॉटनी जियोलॉजी एंड केमिस्ट्री। बेस्ट ऑफ लक। और मास्टर कैडेट अप्लाई करने की डेट 15 मई तक बढ़ चुकी है और जो अप्लाई नहीं कर सके वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारा स्टफ अच्छा लगता है तो यू कैन ज्वाइन आवर मेंबरशिप ऑफ द चैनल। सुपर चैट, सुपर थैंक्स और सुपर स्टिकर सेंड करके चैनल को आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं फॉर मोर एंड मोर हेल्पफुल कंटेंट इन फ्यूचर। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल फॉर फ्यूचर अपडेट। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम एंड गुड नाइट।